रांची स्थित HEC की हालत बेहद ख़राब है। यहाँ के लोगों को 13 महीने से वेतन नसीब नहीं हुआ है। कभी अपनी टेक्नोलॉजी के लिए यह HEC बहुत विख्यात हुआ करता था और यहाँ के कर्मियों की बहुत ही चलती हुआ करती थी, लेकिन पिछले 13 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण ये देखिए एक इंजीनियर पकौड़ा बेच रहा है, क्योंकि उसे घर परिवार भी चलाना है। केंद्र सरकार के इस उपक्रम यानी भारी उद्योग मंत्रालय का यह एक इंटरप्राइज है, उसे भी इसकी कोई चिंता नहीं है, ना ही इसे रिनोवेट करने की ज़रूरत वह समझ रहा है। राज्य सरकार भी इस ओर से मुंह फेरे हुए है, लिहाजा लोग परेशान हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं। पकौड़ा चलने से जो हम बेचेंगे उसे वो पैसा जमा करना, पैसा हम इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि पिछले 13 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली और आने वाले समय में ये भी आसानी नहीं है कि हमारी जहाँ से सैलरी मिलने वाली है वो कंपनी बचेगी भी कि नहीं बचेगी, इसीलिए हम लोग पकौड़ा चलने पर मजबूर हैं। ना हम अगर पकौड़ा चलने के लिए अगर मजबूर नहीं होते क्योंकि हमारे सरकार से प्रबंधन से उचित मार्गदर्शन किया जाता और हमारे भविष्य को लेकर आसवान्वित करते तो पकौड़ा तलने पे मजबूर नहीं करते। जब यही बात हम